मुझसे जो मिलके मजा है कहां वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में पाइप एंड सिस्टर्न की अपनी फोर्थ और लास्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। एक जल की होदी को एक नल से 30 मिनट में भरा जा सकता है और एक अन्य नल से उसे 60 मिनट में भरा जा सकता है। यदि दोनों नल 5 मिनट तक खुले रहे जाते हैं और फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है तो उस होदी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो, ये मान लिया ए नल जो है उससे 30 मिनट में भर सकते हैं इसको, और नल बी से इसको 60 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया भाई 60। ए की क्षमता हो गई 2, बी की क्षमता हो गई 1। अब दोनों नल 5 मिनट तक खुले रह गए और फिर पहले नल को बंद कर दिया, तो 5 मिनट में भाई ए और बी दोनों खुले हैं शुरू के 5 मिनट, कितना भर देंगे 2 और 1 3 की क्षमता से। भाई 5 दिया 15, भाई 15 यूनिट तो पानी आ गया शुरू के 5 मिनट में। अब पहले नल को बंद कर दिया, अब बचा कौन सा, सिर्फ दूसरा नल। अब बच गए जो 45 यूनिट, वो दूसरा नल भरेगा और दूसरे नल की क्षमता कितनी है, केवल 1। तो कितना समय लगेगा भाई 45/1, यानी 45 मिनट और लगेंगे इसको। तो उस होदी को भरने में कितना समय लगेगा, 45 मिनट लगेंगे इसको भरने में। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 10 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को सुबह 10 बजे खोल दिया जाए और ठीक 4 बजे शाम को टंकी को पूरा भरने के लिए नल ए को कितने बजे बंद कर देना चाहिए। देखो भाई, दोनों नल खोल दिए, एक ऐसा नल है जो 10 घंटे में भर सकता है, एक 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, सुबह 10 बजे दोनों को खोल दिए, लेकिन ये बोला कि भाई ए नल को कितने बजे बंद करें कि टोटल जो है ये जो टंकी शाम को 4 बजे पूरी भर जाए। तो देखो भाई, ए भर सकता है इसको 10 घंटे में, बी भर सकता है 12 घंटे में। एलसीएम आ गया 60, ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 5। अब सुबह 10 बजे खोला है और शाम को 4 बजे टंकी भरनी है, तो सुबह 10 से शाम के 4 तक कितने घंटे होते हैं भाई, 6 घंटे। तो 6 घंटे में टंकी भरनी है, लेकिन बीच में कहीं नल ए को बंद करना है, तो नल बी तो पूरे 6 घंटे चलेगा, तो नल बी 6 घंटे में कितना पानी भर देगा। मैं कहूंगा नल बी की क्षमता है 5, 5 की क्षमता से 6 घंटे में 30 यूनिट पानी भर देगा नल बी। तो टोटल 60 में से बी ने भरा 30 यूनिट, तो ए ने भी 30 यूनिट भरा होगा बाकी का बचा हुआ। तो ए ने 30 यूनिट पानी किस कितने समय में भरा होगा जबकि उसकी क्षमता 6 है। तो मैं कहूंगा 30 यूनिट पानी 6 की क्षमता से ए ने 5 घंटे में भरा होगा, और ए सुबह शुरू हुआ था 10 बजे, तो 10 बजे के बाद 5 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया गया, तो यानी शाम के 3 बजे ए को बंद किया गया। सो ऑप्शन बी भाई 3 बजे इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट। दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को सुबह 5 बजे खोल दिया जाए तो शाम को ठीक 5 बजे टंकी को पूरा भरने के लिए ए को कब बंद कर देना चाहिए, वही सवाल है भाई फिर से। ए भर सकता है 20 मिनट में, बी भर सकता है 24 मिनट में। इनका एलसीएम आ गया भाई कितना, 120। ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 5। अब सुबह 5 बजे इनको खोला और शाम को 5 बजे टंकी भरनी है, तो 12 घंटे हो गए भी। ए को बीच में बंद करना है, तो बी तो पूरे 12 घंटे चला, बी की क्षमता 5 है, तो भाई 5 की क्षमता से 12 घंटे में बी कितना भर देगा भाई, 60 यूनिट पानी भर देगा। टोटल 120 थे, 60 बी ने भर दिए, तो बचे हुए 60 ए ने भरे होंगे, तो 60 ए ने भरे होंगे और ए की क्षमता है 6, तो 6 की क्षमता से 60 यूनिट भरने में ए ने 10 घंटे लिए होंगे, तो ए ने 10 घंटे लिए, इसका मतलब ए को 10 घंटे के बाद बंद कर दिया गया। सुबह 5 बजे खोला और 10 घंटे के बाद बंद कर दिया, यानी कि शाम को 3 बजे इसको बंद कर दिया। सो ऑप्शन ए भाई 3 बजे इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट। नल ए एवं बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 12 घंटे एवं 16 घंटे में भर सकते हैं, एवं नल सी भरी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नल एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन नल ए को 4 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, तो आरंभ से कितने घंटे बाद टंकी भर जाएगी। देखो भाई, ए भर सकता है 12 घंटे में, बी भर सकता है 16 घंटे में, और सी खाली कर सकता है 24 घंटे में, तो माइनस का 24 लिख दिया। अब 12, 16 और 24 का एलसीएम कितना भाई, 48। ए की क्षमता आ गई 4, बी की 3 और सी की -2। अब कहा तीनों को एक साथ खोल दिया गया और 4 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया, तो शुरू के 4 घंटे तो ये तीनों चले। अब तीनों के मिलके क्षमता कितनी हुई भाई, 4 प्लस 3 7 और -2 5, यानी 5 क्षमता हुई तीनों के मिलके, और ये 4 घंटे तक चले, तो 4 घंटे तक 5 की क्षमता से भाई 20 यूनिट पानी भर देंगे, ये टोटल 48 यूनिट भरना था इनको। अब ए को बंद कर दिया तो 48 में से 20 तो भरे जा चुके हैं, अब जो बच गई 28 यूनिट वो बी और सी भरेंगे, और बी और सी की मिलके क्षमता कितनी भाई, बी की 3 सी की -2, तो 3 और -2 हो गया 1।
सो 28 बटा में एक यानी कि 28 घंटे और लगेंगे बी और सी को। तो स्टार्टिंग में 4 घंटे ये पहले ही चल चुके थे, तो 4 घंटे पहले चल चुके थे, 28 घंटे बाद में, 4 और 28 हो गए 32। तो भाई टोटल कुल 32 घंटे लगेंगे इस टंकी को भरने में। चलो भाई नेक्स्ट, पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को 9 बजे खोल दिया गया, 2 घंटे बाद केवल ए को बंद कर दिया गया और बी को खोल दिया गया, तो टैंक कब खाली होगा? देखो भाई, ए भर सकता है 1 घंटे में, बी भर सकता है 2 घंटे में, और सी खाली कर सकता है 1 घंटे 15 मिनट में। 15 मिनट होता है भाई 1/4 घंटा, तो भाई 1 घंटा पूरा और 1/4 घंटा और, सो 1 सही 1/4 यानी कि 5/4 घंटे लेगा सी इसको खाली करने में। सो 1, 2 और 5 कैल्शियम कितना भाई 10, ए की क्षमता हो गई 10, बी की क्षमता 5 और सी की क्षमता 10/5/4 कितना मिल जाएगा भाई 8, लेकिन माइनस का है क्योंकि खाली कर रहा है। तो ए की क्षमता 10, बी की 5 और सी की -8। अब 9 बजे ए और सी को खोल दिया, 2 बजे तक ना 2 घंटे तक इनको ऐसे ही रखा। सो ए की क्षमता है 10, सी की क्षमता है -8, ए और सी की मिलकर क्षमता कितनी हो गई 10 - 8 यानी 2। अब 2 की क्षमता से 2 घंटे तक ये खुले रहे, तो मैं कहूंगा 2 × 2 कितना भाई 4 यूनिट पानी भर दिया इन्होंने, ठीक है टोटल 10 यूनिट क्षमता थी, 4 यूनिट इन्होंने पानी भर दिया। अब ए को बंद कर दिया और बी को खोल दिया, तो पूछा है कि टैंक कब खाली हो जाएगा? तो देखो अब ये 4 यूनिट को वापस खाली करना है, अब बी और सी खुले हैं, बी की क्षमता है 5, सी की क्षमता है -8, सो मिन की मिलकर क्षमता कितनी होगी 5 - 8 यानी कि -3। तो अब ये 4 यूनिट खाली करना है -3 की क्षमता से, तो भी कितना समय लगेगा? मैं कहूंगा 4 यूनिट 3 की क्षमता से यानी कि 4/3 घंटे लगेंगे इसको खाली होने में, जिसको मैं कहूंगा 1 सही 1/3 घंटा या फिर मैं कहूंगा 1 घंटा 20 मिनट, क्योंकि 1/3 घंटा होता है भी घंटे का तीसरा हिस्सा यानी कि 20 मिनट। सो 1 घंटा 20 मिनट और लगेंगे, कब? जब ए को बंद किया और बी को खोल दिया, उसके बाद 1 घंटा 20 मिनट और लगेंगे। तो 9 बजे सुबह ए और सी को खोला गया था, उसके बाद 2 घंटे बाद ए को बंद किया और बी को खोला, तो 2 घंटे बाद कितने बज गए भाई 9 और 2 11 बज गए। अब 11 बजने के बाद फिर 1 घंटा 20 मिनट और लगा इसको खाली होने में, सो मैं कहूंगा 12 बज के 20 मिनट पे टंकी खाली हो गई। सो ऑप्शन डी 12 बज के 20 मिनट इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, एक नल किसी टैंक को भरने में इसके एक रिसाव जो नल के अंतर्वाह के आधे के समतुल्य है के कारण 36 घंटे का अतिरिक्त समय लेता है, तो नल का अंतर्वाह टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? देखो भाई एक टैंक है, उसमें एक नल लगा है, उस टैंक को भर रहा है, लेकिन उस टैंक के अंदर एक रिसाव भी है, जिस उस रिसाव के कारण अब टैंक को भरने में 36 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, और आपको एक कंडीशन दी है भाई नल की जो क्षमता है उससे आधी क्षमता है उस रिसाव की। देखो कहा है जो रिसाव है वो नल के अंतर्वाह के आधे के समतुल्य है, यानी नल की क्षमता अगर 2 है तो रिसाव की क्षमता 1 है, लेकिन माइनस की, क्योंकि वो घटा रहा है पानी को। तो मैंने मान लिया नल तो है ए और रिसाव है बी, अगर नल की क्षमता रिसाव से दुगनी है, या फिर इसमें ये दे रखा है रिसाव नल की क्षमता का आधा है, तो अगर नल की क्षमता 2 है तो रिसाव की क्षमता भाई माइनस का 1 है, ठीक है। तो अब एक तो नल अकेला चले तो भाई ए अकेला होगा, लेकिन नल और रिसाव दोनों है तो मैं कहूंगा भाई अब ए प्लस बी हो गए। तो नल की क्षमता थी 2 और नल और रिसाव की मिलकर क्षमता कितनी हो गई भी, नल की 2 और रिसाव की -1, तो 2 और -1 मिलकर कितना हो गया 1, ये हो गया इनकी क्षमताओं का अनुपात, ठीक है। अगर नल की क्षमता 2 है तो नल और रिसाव की क्षमता मिलकर 1 है भाई, तो मैं कहूंगा इनके समय का अनुपात क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा भाई 1:2 कि अगर नल अकेला 1 घंटा ले रहा है तो नल और रिसाव मिलकर 2 घंटे लेंगे। उसने क्या बोला आपको, इसके कारण 36 घंटे का अतिरिक्त समय लग रहा है, हमें कितना अतिरिक्त लग रहा है भाई 1 से 2 हो रहे हैं भाई, यानी कि 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, लेकिन सवाल कह रहा है 1 नहीं भी 36 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, इस 1 की जगह आपको 36 दे रखा है, तो मैं कहूंगा इस 1 की जगह 36 हो जाएगा और इस 2 की जगह 72 हो जाएगा। आपसे पूछा गया था नल का अंतर्वाह टैंक को कितने घंटे में भर देगा, भाई 36 घंटे में भर देगा ए 36 घंटे में भर देगा, और ए और बी जब दोनों लगते हैं तो भाई इनको 72 घंटे लगते हैं, यानी कि नल और रिसाव दोनों लगते हैं तो 72 घंटे, तो 36 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, 36 से 36 ज्यादा हो गए 72, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा भाई, अकेला 36 घंटे में भर सकता है नल। चलो भाई नेक्स्ट, एक लड़का तथा एक लड़की मिलकर किसी हौज को पानी से भरते हैं, लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी उड़ेलता है, जबकि लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी उड़ेलती है,
तो होज में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा? भाई देख लो दोनों एक एक मिनट में कितना डाल रहे हैं। भाई लड़के की क्षमता कितनी हो गई, बॉय की क्षमता भाई 3 मिनट में 4 लीटर पानी डाल रहा है, तो मैं कहूंगा हर मिनट में कितना भाई, 4/3 लीटर 1 मिनट में, इसकी क्षमता ये हो गई। गर्ल हर 4 मिनट में 3 लीटर पानी डाल रही है, तो हर मिनट कितना, मैं कहूंगा 3/4 लीटर डाल रही है, तो दोनों की क्षमता पता चल गई। दोनों की मिलकर क्षमता कितनी होगी, मैं कहूंगा बॉय डाल रहा है 4/3, गर्ल 3/4 लीटर, मिलकर कितना भाई 16+9 25/12 लीटर, यानी दोनों मिलकर 1 मिनट में 25/12 लीटर पानी डाल रहे हैं। और कितना डालना है भाई, 100 लीटर, 100 लीटर डालना है और इनकी क्षमता है 25/12 लीटर प्रति मिनट, तो कितना समय लगेगा, मैं कहूंगा 100 बटा में 25 बटा 12, कितना हो जाएगा भाई 100 गुणा में 12 और नीचे ये 25, इसको काटेगा 4 पे, तो 4 × 12 48, भाई ऑप्शन सी 48 मिनट इसका सही उत्तर होगा। चलो भाई नेक्स्ट, तीन नल पी क्यू तथा आर अलग अलग किसी हौज को क्रम से 4, 8 तथा 12 घंटे में पूरा भर सकते हैं, एक अन्य नल एस पूरे भरे हौज को 10 घंटे में खाली कर सकता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी जुगत खाली होज को अन्य से कम समय में भरेगी। देखो भाई पी भर सकता है 4 घंटे में, क्यू भर सकता है 8 घंटे में, आर भर सकता है 12 घंटे में, और एस खाली कर सकता है 10 घंटे में, तो माइनस लगा दिया। भाई इनका एलसीएम कितना, 120। भाई पी की क्षमता कितनी हो गई 30, क्यू की क्षमता कितनी भाई 15, आर की क्षमता कितनी भाई 10, एस की क्षमता कितनी भाई -12। ठीक है, अब देखो भाई इसने आपको 4 ऑप्शन दिए और बोले हैं कि भाई कौन से ऑप्शन से जो है वो सबसे कम समय में टंकी भरेगी, तो जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा होगी उसमें भी सबसे कम समय लगेगा। तो पहला ऑप्शन देखो भाई, क्यू को खोला जाए तो क्यू की क्षमता कितनी है भाई 15, इसकी क्षमता 15 होगी। अब अगला देखो, पी और एस को खोला जाए, पी की क्षमता है 30 और एस की है -12, तो 30 और -12 कितना हो गया भाई +18, यानी इसकी क्षमता आ गई +18। पी आर और एस, पी हो गया 30, आर हो गया 10, कितना हो गया 40, और एस -12, 40 में से 12 गए 28, इनके मिल की क्षमता हो गई 28। फिर पी क्यू और एस, पी की है 30, क्यू की है 15, कितना हो गया भाई 45, और एस -12, 45 में से 12 गए 33, तो इनकी क्षमता हो गई 33। तो भाई जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा होगी वो सबसे कम समय लेगा, तो सबसे ज्यादा क्षमता कहाँ मिल रही है भाई, ऑप्शन डी में। तो मैं कहूंगा ये पी क्यू और एस जब ये तीनों खुले होंगे तो भाई सबसे कम समय लगेगा। चलो भाई नेक्स्ट, यदि एक कुंड का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है तो शेष कुंड कितने समय में भरेगा। देखो भाई 3/5 भाग, यानी अगर टोटल 5 यूनिट है तो भाई 3 यूनिट भरने में कितना समय ले रहा है भाई 1 मिनट। ठीक है, अगर टोटल 5 यूनिट है किसी कुंड के अंदर, 5 यूनिट उसकी पूरी क्षमता है कुंड की, तो उसका जो 3 यूनिट उसके अंदर डालने के लिए 1 मिनट समय लग रहा है, तो कह रहे शेष कुंड को भरने में, शेष कितना बच गया 2 यूनिट बच गया, अब वो 2 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा। देखो भाई 3 यूनिट के लिए लगे कितने भाई 60 सेकंड लगे, तो भाई 2 यूनिट के लिए कितने भाई, मैं कहूंगा 40 सेकंड लगेंगे, 20 गुना भाई, 3 का 20 गुना 60, तो 2 का 20 गुना 40, सो ऑप्शन हो जाएगा ए 40 सेकंड लगेंगे। चलो भाई नेक्स्ट, पानी से पूरी तरह भरे हुए पानी के घनाकार टैंक से यदि 64 बाल्टी पानी निकाल लिया जाता है तो 1/3 टैंक पानी से भरा रहता है, टैंक की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1.2 मीटर है, माना कि सभी बाल्टियां समान माप की हैं, तो प्रत्येक बाल्टी में पानी का आयतन लीटर भाई कितना होगा। देखो भाई पहले बोला कि भाई कोई टैंक है उसमें से आपने 64 वो टैंक पानी से भरा है, आपने 64 बाल्टियां उसमें से निकाल ली, तो अब 1/3 टैंक के पानी से भरा है, तो भाई अब 1/3 भरा है यानी आपने 2/3 पानी निकाल लिया, आपने 2/3 पानी निकाल लिया टैंक की क्षमता का, और ये भी कहा है कि भी 64 बाल्टी पानी निकाल लिया, यानी कि टैंक की क्षमता 3 है तो आपने 2 यूनिट बाहर निकाल ली, और लेकिन सवाल कह रहे 2 नहीं भाई 64 बाल्टी निकाली है 64 बाल्टी, तो भाई जब इस 2 का मान आपको 64 बाल्टी दे रखा है तो 3 का मान कितना हो जाएगा भाई, 2 का 32 गुना है 64, तो 3 का 32 गुना कितना भाई 96 बाल्टी। ठीक है, यानी कि उस टैंक की जो कैपेसिटी थी वो 96 बाल्टी थी। अब यहां आपको दिया है टैंक की प्रत्येक भुजा की लंबाई 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर लंबा, 1.2 मीटर चौड़ा और 1.2 मीटर ही ऊंचा है,
तो आपसे पूछा गया है कि भाई जो बाल्टी है हर एक बाल्टी की कैपेसिटी कितनी है लीटर में। तो देखो लीटर में पूछा है तो आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए कि भाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होते हैं वो 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है भाई, 10 सेंटीमीटर गुणा में 10 सेंटीमीटर गुणा में 10 सेंटीमीटर, भाई 10 बाई 10 बाई 10 सेंटीमीटर के कोई एक बर्तन है तो उसमें 1 लीटर पानी आएगा। ठीक है, अब आपको बोला है भाई लंबाई जो है 1.2 मीटर है, यानी 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर लंबा, 120 सेंटीमीटर चौड़ा और 120 सेंटीमीटर ऊंचा। तो मैं कहूंगा भाई 120 गुणा में 120 गुणा में 120 सेंटीमीटर क्यूब हो गई भाई उसका पूरा आयतन जो है उस टंकी का। लेकिन 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो अगर मुझे लीटर में निकालना है तो मैं इसको 1000 से भाग दे दूं, बटा में 1000 लीटर, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। तो भाई कितने लीटर की टंकी हो गई, 0 0 0, ये 3 0 कट गए। भाई 12 का क्यूब कितना भाई, 1728 होता है, याद रखो। यानी 1728 लीटर पानी है उस टंकी में और आपने 96 बाल्टियों से वो निकाल सकते हो आप उसको। तो भाई एक बाल्टी की क्षमता कितनी हो गई, मैं कहूंगा भाई 1728 बटा में 96। भाई कितने पे कटेगा, 96 एकम 96, ये आपका पूरा पूरा जाएगा 18 पे। ठीक है, देखो भाई ऑप्शन डी, एक तो ऐसे ही पता चल रहा है अभी, 8 इसमें देखो 8 और यहाँ पे 6 है, 8 और 6 जब गुणा होते हैं तो 48 बनता है जिसके लास्ट में 8 आता है। ठीक है, तो कि यहाँ पे मिल रहा है अपने को और किसी से भी नहीं मिल रहा, वैसे भी चेक करोगे तो भी 96 का 18 गुना ही है। चलो भाई नेक्स्ट, दो नल पी तथा क्यू एक टंकी के क्रमश 24 तथा 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को 11 बजे सुबह खोल दिया जाए और ठीक 2 बजे रात को 2 बजे AM टंकी को पूरा भरने के लिए नल पी को कितने बजे बंद कर देना चाहिए। देखो भाई ये पी है ये क्यू है, ये 24 घंटे में भर सकता है, ये 18 घंटे में भर सकता है, 24 और 18 LCM कितना भाई 72, इसकी क्षमता 3 इसकी क्षमता 4। अब सुबह 11 बजे इन दोनों को खोला है और टंकी को भरना है रात के 2 बजे, तो सुबह 11 से रात के 2 बजे तक कितने घंटे हो गए भाई, 15 घंटे हो गए। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं पी को बंद करना है, पी को बंद करना है तो क्यू पूरे 15 घंटे चलेगा क्योंकि क्षमता है 4। अब 4 की क्षमता से 15 घंटे में क्यू कितना पानी भर देगा, मैं कहूंगा 4 की क्षमता से 15 घंटे में 60 यूनिट पानी भर देगा क्यू, यानी क्यू ने 60 यूनिट भरा है तो बचा हुआ जो 12 यूनिट है वो पी ने भरा होगा। अब पी ने भरा है 12 यूनिट किस क्षमता से भाई, 3 की क्षमता से, तो कितना समय लेगा, 12/3 यानी 4 घंटे लेगा पी। इसका मतलब पी को 4 घंटे बाद बंद किया गया था, तो यानी कि सुबह 11 बजे खोला है तो भाई कितने बजे बंद करोगे आप इसको, 11 बजने के 4 घंटे के बाद क्या बजता है, 3 बजते हैं। तो भाई ऑप्शन सी, 3 बजे आप इसको पीएम पे बंद कर दोगे। चलो भाई नेक्स्ट, पाइप ए 20 मिनट में एक भरा टैंक खाली कर सकता है, दूसरा पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास से दुगना है। देखो भाई व्यास की बात हो रही है, मान लो ये पाइप ए है और इससे दुगने व्यास का ये है पाइप बी, यानी इसका व्यास अगर ये एक है तो ये जो व्यास है ये 2 होगा। ठीक है, तो एक जो इसका क्षेत्रफल होता है पाइप का, जो उसके मुंह का क्षेत्रफल, वो किस पे डिपेंड करता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। तो इसका अगर व्यास 1 है और इसका व्यास 2 है तो मैं कहूंगा इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग अनुपात 2 का वर्ग, यानी 1:4। इसका मतलब अगर व्यास दुगुना हो रहा है तो क्षेत्रफल 4 गुना हो रहा है, अगर व्यास 3 गुना होगा तो क्षेत्रफल 9 गुना होगा। ठीक है, उसके वर्ग पे डिपेंड करता है। तो मैं ये कह सकता हूं अगर पाइप ए की क्षमता से 4 गुना ज्यादा होगी पाइप बी की क्षमता, क्यों, क्योंकि उसका जो पाइप बी का जो मुंह है वो 4 गुना बड़ा है पाइप ए के मुंह से। ठीक है, तो इसकी क्षमता अगर 1 है तो इसकी क्षमता 4 हो जाएगी। तो देखो ए और बी की क्षमताओं का अनुपात आ गया 1:4। अब बोला कि पाइप ए जो है वो 20 मिनट में भर सकता है, अब 1 की क्षमता से 20 मिनट में भर रहा है तो भाई टोटल काम कितना किया इसने, मैं कहूंगा 1 गुणा में 20 ये काम कर दिया। अब दोनों पाइपों को ए और बी को अगर टैंक से जोड़ दिया जाए तो भाई खाली करने में कितना समय लगेगा, अच्छा पाइप ए जो है वो 20 मिनट में इसको खाली कर रहा है तो भाई 1 की क्षमता से 20 मिनट में खाली कर रहा है तो कितना खाली कर रहा है, मैं कहूंगा 1 गुणा में 20। अब ये दोनों मिलकर खाली करेंगे तो इनके दोनों की मिलकर क्षमता कितनी होगी, 1 और 4 5। अब 5 की क्षमता से ये सारा का सारा इनको खाली करना है तो कितना समय लगेगा, मैं बटा में 5 कर देता हूँ। ठीक है, कितना समय अभी, 4 मिनट। ठीक है, इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन गलत हैं, आप 4 मिनट इसका सही उत्तर होगा, भाई 4 मिनट में दोनों टैंक मिलकर इसको खाली कर देंगे, ये दोनों पाइप सॉरी इस टैंक को खाली कर देंगे। तो चलो इस चैप्टर में इतना ही रखते हैं, चैप्टर खत्म होता है अपना यहाँ पे, नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।